हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सबसे पहले रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से खबर, जहां हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है और सरकार किसकी बनेगी ये मंथन इस वक्त किया जा रहा है। चर्चा बीजेपी की तरफ से जोरों पर है। अमित शाह के घर पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनुराग ठाकुर अमित शाह के घर पहुंचे हैं और दुष्यंत चौटाला ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है और मुलाकात किस स्तर पर रही। दरअसल अमित शाह के घर पर दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं। तो दिल्ली से इस बीच ये अहम और बड़ी खबर, हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के घर पर अनुराग ठाकुर पहुंचे और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी अमित शाह के घर पर आवास पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के घर पर बातचीत चल रही है और बकायदा वन टू वन होगा। क्या इसमें दुष्यंत चौटाला की तरफ से पेशकश रखी जाएगी, क्या बातचीत होती है, ये फिलहाल देखना होगा। और क्या क्या वो बड़े मुद्दे हैं जिन इश्यूज को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात इससे पहले दुष्यंत चौटाला की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई थी, क्या बीजेपी उस सब के लिए तैयार है और आखिर किन और विषयों को लेकर, क्या किसी पद को लेकर भी यहां पर बातचीत चल रही है, क्या कितने मंत्री पद, इन सब चीजों को लेकर क्या अभी तक बीजेपी तैयार है, यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर के साथ दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। तो हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है और इसके साथ ही अमित शाह के घर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे हैं और अनुराग ठाकुर भी अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं और उनके साथ दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात के अंदर शामिल हैं और वो भी पहुंचे हैं अमित शाह के घर पर। तो दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं अमित शाह के घर पर। अनुराग ठाकुर के साथ दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। और बाकी और कौन लोग इसमें शामिल हैं, जरा इस बात को लेकर भी पर्दा उठ जाना चाहिए। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जरा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। मुकेश, क्या अभी तक जानकारी है, अमित शाह के आवास पर यह बैठक और उससे पहले मिलने के लिए अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं, दुष्यंत पहुंचे, कोई और भी नाम चर्चा में, और क्या अभी तक चल रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने साफ कह दिया था कि हमारे पास निर्दलीय उम्मीदवार आ चुके हैं, निर्दलीय विधायक आ चुके हैं और हमारी जो विधायक है निर्दलीय उनसे बात हो चुकी है, हम सरकार बनाने के की तैयारी में। वही जब मैं बात की आपको शाम को, जब मैंने करीब 7 बजे करीब जब मैंने दिग्विजय चौटाला से बात की तो दिग्विजय चौटाला ने साफ कह दिया कि हमने बात की थी कांग्रेस से भी बीजेपी से भी, लेकिन कांग्रेस के पास 30 से 31 विधायक हुए और इस में सरकार नहीं बन सकती और हम चाहते जो हमारा साथ दे, जो हमारा मान सम्मान रखे, जो हमारी मांगे हैं युवाओं को लेकर चाहे किसानों को लेकर, हम उसके साथ जाए। तो मैंने उनसे पूछा था क्या आपकी बीजेपी में जाने की तैयारी हो गई, तो उन्होंने हंसते हुए बातों को टाल दिया था। लेकिन वही बात हुई सुभेंदु, जैसे ही थोड़ी देर हुई उसके बाद कहीं ना कहीं खबर निकल गया कि अमित शाह ने डिनर पे बुलाया है और सबसे पहले हमने अपने चैनल पर ब्रेक करवाई थी खबर कि अमित शाह ने डिनर पे बुलाया दुष्यंत चौटाला को और अभी सबसे पहले उन्होंने खट्टर जाते हैं वहां पे अमित शाह के घर पर। उसके अलावा बात करें तो सुभाष बराला भी पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं कि दुष्यंत चौटाला भी निकल गए थे अपने घर से निकल, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन सबसे पहले हमने ब्रेक किया कि दुष्यंत चौटाला कहीं और नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर, बिल्कुल अनुराग ठाकुर उनके पड़ोसी भी है, उनके पड़ोस में ही है और वहां पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर अच्छे मित्र है दुष्यंत चौटाला के और यही वजह है कि अमित शाह के पास जब दुष्यंत चौटाला मिलने गए तो उनके साथ निशान सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन के, वो अनुराग ठाकुर वो पहुंचे हैं। फिलहाल अंदर बैठक चल रही है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है किसी जो सहमति है जो दुष्यंत चौटाला मांग कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट वाले से खबर ये भी आ रही है कि दुष्यंत चौटाला एक
उप मुख्यमंत्री और दूसरी और तीन से चार मंत्री मंडल में मंत्रियों की जगह चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर निकल के आ रही है शुभेंदु, और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं तमाम उनकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने कह दिया था कल कि हम भी अपनी जो सरकार बनाने के कार्य पेश कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि विपक्षी दल जितने भी हैं वो निकल के आए आगे। और यही वजह है कि अब जैसे ही दूसरे दिग्विजय जी को लगा कि आपको फायदा नहीं है, उन्होंने बीजेपी के का रुख किया। और हो सकता है रात में जो अभी बैठक चल रही है उस बैठक में सारा मामला क्लियर हो जाए और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम पद की शपथ ले। मुकेश, लेकिन हम ये भी जानकारी लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुलाकात अब शुरू होगी, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ से बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं जेजेपी के? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस की तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हम लगे हुए हैं। देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार किसी में भी नहीं, आपको याद होगा सुबह कर्नाटक चुनाव जिस तरह से पहले कह दिया गया संभावना सभी तरीके की। लेकिन मुकेश एक और सवाल ये कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका जिक्र इससे पहले दुष्यंत चौटाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके थे, क्या बीजेपी उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रही है? देखिए बिल्कुल सबकी नजरें उसी बात पे टिकी हुई है कि किस तरह से ये सारा मामला सेट किया जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी को भी डर है जिस तरह से वो निर्दलीय जो विधायक हैं उनको साथ में लेके तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक कसक है। हो सकता है कल को जो निर्दलीय विधायक है वो उनकी डिमांड बढ़ जाए या जो जिस बात अभी कह रहे हैं हम बीजेपी में को समर्थन दे रहे हैं, कल गतिविधियां चेंज होती है। आपको पता है पॉलिटिक्स में हर मिनट कुछ ना कुछ गतिविधियां चेंज होती रहती है और हर मिनट कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती है, डेवलप होता रहता है। ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि हम क्यों ना जेजेपी से समझौता करके जेजेपी को अपने पक्ष में लाकर हम एक सरकार बना ले जो कि 5 साल तक सरकार चले, और क्योंकि उनके पास 10 सीटें हैं। देखिए तो बहुमत की जरूरत, बहुमत से जो आंकड़े हैं उसको भी क्रॉस कर चुके होंगे बीजेपी के आंकड़े, तो कहीं ना कहीं तो मुकेश यहाँ ये भी माने कि अगर बीजेपी जेजेपी एक साथ आते हैं, गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं, तो क्या जो निर्दलीय जो शुरुआत से अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे, क्या उनको साइड कर दिया जाएगा या उनको भी साथ लेकर बीजेपी चलेगी? फिर अभी सारी स्ट्रेटेजी है और उसके हिसाब से काम चल रहा है बीजेपी द्वारा, और तमाम जो नेता है, तमाम जो बीजेपी के लोग है, बीजेपी के नेतृत्व है, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इन चीजों पर निगाहें बनाए हुए, तो ऐसा बीजेपी की कोशिश रहेगी, ऐसी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भी ठेस ना पहुंचे, उनके मान सम्मान को कोई मैं कभी ना आए तो उनका रहेगा एक तरह से। क्योंकि देखिए यदि बीजेपी यदि जेजेपी के साथ जाती है, मान लीजिए दूसरे एक मिनट के लिए सरकार बन गई, जितने निर्दलीय सब सारे कांग्रेस के साथ, एक मिनट के लिए बात की जाए कांग्रेस के साथ आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जेजेपी को भी लगता है भाई यहाँ पे मुझे मान सम्मान नहीं मिलता है, और जेजेपी यदि कांग्रेस का रुख करती है भले हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कह दिया जो है मान सम्मान कांग्रेस को चाहिए और माफ कीजिए जेजेपी को चाहिए, दुष्यंत चौटाला को चाहिए, वो सारे मान सम्मान हम की बात कर रखेंगे उनकी, और उसके अलावा जो भी मान कर रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में है, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें क्लियर है। हो सकता है यदि जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन मिल रहा है बीजेपी को, यदि उनको निराश करने की कोशिश की गई तो हो सकता है वो अलग आ जाए और कुछ दिनों बाद ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जेजेपी भी हो सकता है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है शुभेंदु, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए अनुमान से ही सारी चीजें टिकी हुई है। हालांकि जो ये सिचुएशन अभी बन है, क्योंकि देखिए कल से जिस तरह से बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में थी और हमेशा किंग मेकर को लेकर वो तैयार थे, लेकिन अंततः जो किंग मेकर के भूमिका में आए मुकेश, लेकिन अगर देखें एक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक तो एजेंडा ये जेजेपी की तरफ से, और दूसरा जो आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री पद, तो क्या उसको लेकर के रिजिड है बिल्कुल जेजेपी कि बीजेपी से कम ये तो चाहेगी ही चाहेगी? देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो प्रयास लगाए जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला ने कल भी, देखिए जब बात निकल के आई तो कई चैनलों ने ये भी खबर ब्रेक किया कि दुष्यंत चौटाला मांग कर रहे हैं कि मुझे सीएम बनाया जाए, लेकिन सीएम को लेकर रास्ता यदि क्लियर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो जेजेपी के हैं वो डिप्टी सीएम को लेकर भी अपनी मांगे पूरी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से अपनी पार्टियों को बीजेपी के मनाया जाए, और हो सकता है देखिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि देखिए सत्ता का सुख पाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, हो सकता है बीजेपी उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दे, उनके 3-4 जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी देखने वाली है। हालांकि अभी अनुराग ठाकुर दुष्यंत चौटाला का अच्छे मित्र है, उनके थ्रू वो मिलने गए हैं, हालांकि दिल से ही बात चल रही थी, और सबसे पहले हमने ब्रेक भी किया था कि दिग्विजय चौटाला का बयान आया था जिसमें दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाएगा, कल सुबह तक
जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। और वही देखिए उसी क्रम में मनोहर लाल खट्टर और अब सुभाष लाला की बात पे तमाम जो दिग्गज बीजेपी के हैं वो चले गए अमित शाह के घर। अमित शाह का दौरा था, बीच में ही रास्ते से वो वापस लौटते हैं, डिनर पे दुष्यंत चौटाला को इन्वाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी गतिविधियां दिन भर चली और उसके बाद जाकर अब दुष्यंत चौटाला को भी लगा जो बीजेपी की बहुमत आ रही है। ठीक है मुकेश, मुकेश मेरा आखिरी सवाल कि अब जब अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके हैं, मीटिंग अब होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, बेसिकली तो डिनर डिप्लोमेसी है ये, तो क्या ये माना जाए कि इस डिनर के बाद, इस बातचीत के बाद कुछ ऐलान हो सकता है, आज ही रात कुछ क्लियर हो सकता है? बिल्कुल संभावना है कि ऐसा हो सकता है। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला गए हैं अपने दोस्त अनुराग ठाकुर के साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रात तक वो सारे जो क्लियर फिगर अभी जो धुंधले तस्वीर नजर आ रही है वो साफ हो जाए और सुबह मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है वो जाकर नई सरकार बनाए, मुख्यमंत्री की दोबारा वो शपथ ले। हालांकि उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 12 बजे 11 से 12 बजे के बीच में बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे, निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे और वो उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी अपनी सरकार कब बना रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की शपथ कर लेते हैं। तो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुकेश इस डिनर के बाद या इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद? देखिए ऐसी अभी कोई सूचना मिल नहीं पा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहेंगे, लेकिन हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके जरिए और ये तमाम जो बातें हैं उसको लेकर वो सारी चीजें जो क्लियर हो जाएगा, कितनी चीजों के बीच भी जेजेपी को समय मतलब मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और क्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बनेंगे, तमाम चीजें आधी रात को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बहुत शुक्रिया मुकेश इस पर जानकारी देने के लिए और आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज की रात बड़ी भारी है, क्योंकि 24 तारीख को जब नतीजों का ऐलान हुआ उसके बाद आज की रात बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि सरकार बनाने को लेकर आगे किस दिशा में परिस्थितियां बदल जाएं, क्या हो जाए कब, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प है। अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है और डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ये कहा जाता है राजनीति के चाणक्य अमित शाह और अब पहुंच चुके हैं, तो क्या अब तस्वीरें देखने को मिलती हैं, दुष्यंत चौटाला से कितनी बातचीत सफल हो पाती है और क्या वाकई में दोनों दल साथ आ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प है।